गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नया वीडियो का सर और मेरा डेली लाइफ का सर और आप लोग को आज दिखाने वाला है। मैं इतना दिन मतलब एक हफ्ता तो होने वाला है मेरा ट्रैक्टर चलाने वाला, फिर भी मैं आप लोग को वीडियो बनाया नहीं था। मतलब मेरा सर मतलब कोई भी मतलब कैमरा मैन नहीं था वीडियो बनाने वाला। और आज मेरा जो मेरा मेन ड्राइवर है, जो ये ट्रैक्टर का मालिक है, वो मेरे को वीडियो शूट करके देगा बोला है। तो उसने भी मेरे को बोला था वीडियो बनाने के लिए, तो उसने मेरे को वीडियो बना कर देगा। तो इसकी वजह से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और आज अभी स्टार्ट करने से पूरा शाम को मतलब बंद करने तक पूरा आप लोग को देखेंगे, आप लोग को वीडियो मतलब बीच बीच में क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। और हम लोग को आप लोग को देख कर ये देख सकते हैं। और डेली हर साल तो मतलब ये सब पूरा ख़त्म हो जाता था, अभी तो इस साल तो पूरा बहुत अभी तक भी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। पूरा 10-15 दिन में तो पूरा ट्रैक्टर चलाकर पूरा 5 दिन ज़्यादा पास ज़्यादातर 5 दिन ही मिलता है। फिर अभी तो ज़्यादा मिलेगा, ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा मशीन ख़राब है, मतलब ट्रैक्टर वगैरह पावर टिलर वो सब कुछ ख़राब हो चुका है। इसकी वजह से हम लोग को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेल कर करना पड़ रहा है। और देखाते हैं आप लोग को भी चारों तरफ, ये देख सकते हैं पूरा ये खेत पूरा ये इधर से पूरा उधर लास्ट तक है। ये देख सकते हैं अभी तो पूरा इतना ज़्यादा है, बस अभी इधर ऊपर से ख़त्म हुआ है। ये देख सकते हैं हम लोग का पावर टिलर और इंजन का हॉर्स पावर वगैरह दिखाते हैं आप लोग को। ये देख सकते हैं ये ट्रैक्टर, ये पानी का हो गया और ये तेल का डीजल का हो गया वो। और ये देख सकते हैं हम लोग का ट्रैक्टर का गियर वगैरह दिखाते हैं, कुछ अलग ही मज़ा आता है गाइस ऐसे ट्रैक्टर चलाने में। देख सकते हैं ये हम लोग का आगे का गियर हो गया, ये रोटावेटर का हो गया और आप लोग को ये एक्सेलेटर ये भी उल्टा साइड है, क्लच भी उल्टा साइड है ये। और मिलते हैं आगे में, तो चलो अभी हम लोग इधर मेघालय में देख सकते हैं सीधा ये से आली ये बाउंड्री है, खेत का बाउंड्री है। इसको ऐसे कर स्वतः कर फिर करता है, फिर बनाना पड़ता है इसको ऐसे करके। यही है जो हम चलाता था ट्रैक्टर, यही ट्रैक्टर है हम चलाने वाला। और आज से मेरा वीडियो डेली लाइफ का वीडियो देखने के लिए तैयार रहो गाइस और मेरा चैनल के साथ जुड़ते रहो। और सुबह सुबह आना पड़ता है, आवाज़ भी पूरा मेरा खराब हो रखा, मतलब अभी अभी उठा मैं और मुँह भी धोने नहीं मिला। आप लोग को भी दिखाते हैं तो चलो खोलकर दिखाते हैं ट्रैक्टर को पूरा ढक कर लिया हम लोग, तो चलो। अभी हम इसको डीजल डालते हैं, अभी 6 लीटर डालेंगे, फिर शाम को 6 लीटर डालेंगे। अभी दिखाते हैं आप लोग को पूरा तेल काम है, देख सकते हैं अभी लगभग इधर में 3 लीटर होगा। अभी दिखाते हैं आप लोग को डालते हैं, अभी डालकर अभी 6 लीटर डालेंगे, फिर शाम को 12 बजे में फिर 6 लीटर डालेंगे इसको। तो अभी देख डालते हैं अभी धीरे धीरे करके, बहुत ज़्यादा भारी है गाइस। एक हाथ से तो मेरा इतना ताकत इतना नहीं है, इसके वजह से
मेरा अभी खाना खाने जाने का नाश्ता करने जाने का टाइम आ चुका है गाइस। और अभी मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, जो मेरे साथ में चला था वो आ गया अभी, और अभी हम नाश्ता करने के लिए निकल जाएंगे। और मेरा पाँव पूरा सर पूरा गंदा हो गया अभी, और अभी धुलेगा तो फिर आकर मेरा ड्यूटी आएगा 10 बजे। मैं अभी साढ़े सात बजे से उसका 10 बजे, मैं 5 बजे से आ गया था, 5 बजे साढ़े सात बजे तक मेरा, और मेरा 10 बजे में होगा, उस टाइम में 1 घंटे का कम हो जाएगा। फिर अभी देखा थे पूरा मेरा पेन पूरा गंदा हो चुका है, ये देख सकते पूरा ऐसे हो गया, ऑरेंज पेन था मेरा। और ये देख सकते नज़ारा, ऐसे नज़ारा कहाँ मिलेगा गाइस, बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है। माउंटेन वगैरह पूरा पहाड़ पूरा नेट रुका वो है, तो चल अभी दिखाते हैं अभी आगे में। मेरा अभी जो आज का डेली लाइफ का वीडियो, मेरा आज का पहला दिन है, मेरा पहला शुरुआत है, तो अभी ये वीडियो इधर मैं खत्म करता हूँ। बस मैं अभी कपड़ा वपड़ा नहीं पहना गया और नहा कर बस अभी थोड़ा मतलब कपड़ा वपड़ा वो सब कर रहा था, और मेरा खेत में भी काम चालू था, वो लोग को भी मतलब कुछ मतलब अभी चाय वाय के लिए तो वो सब के लिए देना पड़ेगा, तो उसकी वजह से मैं अभी बस अभी निकल ही रहा था वो सब सामान देने के लिए। तो अभी खेत में वो लोग अभी घर में आएगा बोला, तो घर में आएगा कि नहीं आएगा देखते फिर। और मेरा कल का वीडियो का साथ शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ, नया खेत नया जगह के साथ। तो चलो अभी ये वीडियो इधर में खत्म करते हैं, और मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा इस, और कैसा कौन सी चीज़ का इम्प्रूव करना है वो चीज़ की भी बता दीजिए, तो हम थोड़ा आप लोग इम्प्रूव कर बोलेगा तो हम भी इम्प्रूव कर सकेगा। तो चलो अभी नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मिलते हैं, और बाय बाय गाइस। और मेरा मैं ट्रैवलिंग के साइकिलिंग के लिए मैं साइकिलिंग किया, तो मैं अभी अगले महीने का 2 तारीख को करूँगा, अभी ये महीना तो नहीं करूँगा अभी, क्योंकि ये महीना करेगा तो मेरा तो काफ़ी ज़्यादा मतलब तकलीफ होने वाला है, इसकी वजह से मैं नहीं करूँगा। और अगले महीना का 2 तारीख से मैं जैसे तैसे भी 2 तारीख को तो निकलने का ही। और क्या है ना कि मेरा साइकिल का फ्रेम भी टूट चुका है, क्रैक हो गया है, मतलब उसका भी 13,000 जाएगा मेरा। और एक मेरा टेन है डिकार्लोन का लेने वाला अभी 2% का, वो भी मेरा लगभग 5,000 का है, मतलब अभी मेरा मोटा बहुत मोटा खर्चा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना तो मतलब सोच लो मतलब 18-20 हज़ार तो इतना तो खर्चा है अभी मेरा, कैंपिंग का सामान भी और गैस भी लेने का है मेरे को, और साइकिल का भी बनाने हैं, और साइकिल को भी थोड़ा बहुत मतलब सर्विसिंग करना, बियरिंग वगैरह सब कुछ चेंज करने का है, और उसके बाद ही कर सकेंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतजार कर रहा था, फिर सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम आगे बढ़ सकूँ गाइस। तो चलो बाय बाय गाइस।